नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश के 14 करोड़ किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। खरीफ सीजन आ रहा है और उर्वरकों के रॉ मटेरियल काफी महंगे हो रहे हैं। हाल ही में खाद कंपनियों ने डीएपी की कीमतों में 150 रुपए की वृद्धि कर दी थी। यूरिया और दूसरे उर्वरकों के दाम में भी वृद्धि होने का पूरा अनुमान है। ऐसे में पहले से ही डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों पर सरकार खाद की महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क कब्जा कर चुके हैं। ये डील टेक जगत के तीसरी सबसे बड़ी डील है और इसके लिए मस्क 44 अरब डॉलर 3.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। लेकिन जहां एक ओर एलन मस्क ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो दूसरी तरफ इस डील पर मुहर लगने के बाद उन्हें तगड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार देर रात जैसे बीते कई दिनों से जारी बहस पर उस समय विराम लग गया जब ट्विटर बोर्ड ने एलन मस्क को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्लेटफॉर्म की कमान उनके हाथ में सौंपने पर मुहर लग गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल इस बार भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सीबीडीटी प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.09 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू चुका है, यानी कि इसमें 49.02% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जेबी महापात्र ने बताया है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में वापसी के संकेत है। राजस्थान रॉयल्स के युवा ऑलराउंडर रियान पराग और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के शानदार पेसर हर्षल पटेल के बीच आईपीएल मैच के दौरान तीखी बहस हो गई जब रियान पराग ने पटेल के आखिरी ओवर में 18 रन बना डाले। रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी की और 31 गेंद में नाबाद 56 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल के खिलाफ एक चौका और दो छक्के जड़ने का काम किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिका के सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें भारत में और निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। वित्त मंत्री ने सिलिकॉन वैली में काम कर रही कंपनियों के लिए भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें लागू कोटा प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया है। इस फैसले के तहत जो कोटे खत्म किए गए हैं उनमें सांसदों, शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारी और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित प्रदेश से जुड़े करीब दर्जन भर कोटे शामिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकल ट्रेन मुंबई की जीवन रेखा है और अगर कोई व्यक्ति भीड़भाड़ वाली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय गिर जाता है और घायल हो जाता है तो ये अप्रिय घटना के दायरे में आएगा और रेलवे को मुआवजा का भुगतान करना होगा। जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने वेस्टर्न रेलवे को 75 वर्षीय व्यक्ति को 3 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसे एक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन से गिरने के बाद पैर में चोट लगी थी। बाजार में कमजोरी के बीच देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आंशिक नया इतिहास रच दिया है। आरआईएल का मार्केट कैप पहली बार 19 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। बुधवार के कारोबार के दौरान रिलायंस का शेयर 1.20% चढ़कर 2809.10 रुपए के भाव पर पहुंचने के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 19,648.47 करोड़ रुपए हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में अनेक बिंदुओं पर आंकड़े दिए गए हैं। इनमें सीएए से लेकर नक्सली हिंसा में कमी, विदेश यात्री, लॉकडाउन में पैदल यात्रा समेत कई अन्य आंकड़े पेश किए गए हैं। इसमें किस बात का जिक्र किया गया है ये देखने वाली बात है। सीएए 2019 में बताया गया था लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के उन सदस्यों को नागरिकता प्रदान करना है जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। सरकार इस योजना से जुड़े लोगों के लिए ऑफर्स का पिटारा खोल रही है। अगर आप ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े हैं तो फिर ये खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से पंजीकृत लोगों को 500 रुपए के अलावा कई बड़े लाभ मिल रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन NPCIL ने मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल विषयों में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी कि 28 अप्रैल 2022 है। इच्छुक उम्मीदवार NPCIL की आधिकारिक वेबसाइट www.npcil.careers.co.in पर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 225 रिक्त पदों को भरा जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने कारखाना निरीक्षक का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें कुल 6 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस परीक्षा के लिए 30 और 31 मार्च को इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में 16 उम्मीदवार शामिल हुए थे। 6 पदों के लिए 1249 ऑनलाइन आवेदन आए थे। कारखाना निरीक्षक का पद श्रम संसाधन विभाग के तहत आता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वो नहीं मानते हैं कि यूक्रेन में जारी संघर्ष अमेरिका और रूस के बीच एक छद्म युद्ध है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा था कि चूंकि रूस ने फरवरी में अपना सैन्य अभियान शुरू किया था इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन की रक्षा के लिए कम से कम 3.7 अरब डॉलर प्रदान किए हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी पेश की है। इसके लिए सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। उम्मीदवार जो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक और योग्य हैं, वो सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के प्रमुख नेताओं का पूरा फोकस मिशन 2024 को लेकर है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने उनकी बैठक भी बुलाई थी। यही वजह है कि कांग्रेस दिल्ली को छोड़कर फिलहाल बिहार पर अपना ध्यान नहीं लगा रही थी। बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिलने की उम्मीद है। इसकी उम्मीद लेकिन फिर भी नाक के बराबर जताई जा रही है। मदन मोहन झा अगले कुछ महीनों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। दरअसल जुलाई में कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव होना है। माना जा रहा है कि संगठन चुनाव तक बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद कम है। ट्विटर के सौदे के बाद कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ट्विटर पर लौटेंगे। सीईओ पराग अग्रवाल ने इस पर अपने कर्मचारियों से कहा है कि हमारी नीतियां बदलती रहती हैं। दरअसल भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के लिए ट्रंप ट्विटर से स्थायी तौर पर प्रतिबंधित है। उन्होंने कंपनी की नीतियों के बारे में अनिश्चितता का भी संकेत दिया है। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली ने विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 मई 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। एनएसयूटी फैकल्टी भर्ती अधिसूचना रोजगार समाचार पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2022 और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल लगाने का रास्ता साफ हो गया है। योगी कैबिनेट ने निविदा के माध्यम से चयनित कंपनी को पत्र यानी कि लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयनित कंपनी पहले साल यूपी डा को 222 करोड़ रुपए देगी। 1 मई से टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बाबत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी टैक्स वसूली शुरू होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों में फैली चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि हमने बाकी देशों के मुकाबले कोरोना पर बेहतर नियंत्रण रखा हुआ है, लेकिन कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से नहीं टली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। गोरखपुर में सड़कों का जाल बिछाने और पहले से बनी सड़कों को चकाचक करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं। गांव में 507 नई सड़कें बनाई जाएंगी, साथ ही 51 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उनकी सूरत बदल जाएगी। जिले के 469 सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोविड 19 का ग्राफ बढ़ गया है। इन सब के बीच कोविड 19 वैक्सीन और बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज के बीच गैप को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। टीओआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड 19 की दूसरी डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच सरकार द्वारा अनिवार्य 9 महीने के लंबे अंतराल के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्गत आने वाले नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च साइंटिस्ट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कि उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक है वो आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 मई 2022 है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वेबसाइट nrsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी संस्करण ने 13 दिनों के भीतर ही कुल 336.12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक वीकेंड पर उछाल देखने के बाद अब प्रशांत नील की फिल्म का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए के नीचे आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर उम्मीद जताई है कि वो नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण वाली सरकारों में कथित तौर पर इस पर कठोरता से जोर दिया जा रहा है। पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में कहा है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं बल्कि संविधान भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई अपना पद छोड़कर दिल्ली जाने की तैयारी में है, ये चर्चा और कयास लगातार बिहार के सियासी गलियारे में चल रही है। लेकिन इन खबरों का अब जदयू के नेताओं ने खंडन करना शुरू कर दिया है। पहले मंत्री संजय झा ने नीतीश के दिल्ली जाने की खबरों को अफवाह बताया था और अब तो उनकी ही कैबिनेट के मंत्री लेसी सिंह ने यह दावा किया है कि नीतीश 2025 के बाद भी बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर और अन्य पदों पर आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर विजिट कर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई है और आवेदन दर्ज करने की आखिरी तारीख 10 मई है। कोरोना के कारण 2 साल तक गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं हो पाई थी, अब 2 मई को यहां ईद की नमाज होगी। इसमें हजारों की संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गांधी मैदान में साफ सफाई, पार्किंग, विधि व्यवस्था, जलापूर्ति, प्रकाश की व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
यूक्रेन को युद्ध की आग में धकेलने वाले रूस और उनके खिलाफ पेश होने वाले प्रस्ताव में वीटो पावर इस्तेमाल करके बचता रहा है। फरवरी में जब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर आया था, तब भी रूस ने यही किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो किए जाने पर 193 सदस्यीय निकाय को बैठक करने की जरूरत होगी। ट्विटर इंडिया के कई कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए मालिक एलन मस्क के हाथों में जाने के बाद उनकी संस्कृति, नीतियों और वेतन में होने वाले बदलावों को लेकर चिंतित है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के कुछ कर्मचारी नए मालिक के रूप में टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क के आने से खासा उत्साहित है, तो वहीं कुछ कंपनी में होने वाले बदलावों से उनकी भूमिकाओं और भविष्य पर होने वाले असर को लेकर सतर्क है। नव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम के ठीक सामने ही श्रद्धालु और पर्यटकों को सुविधाओं से लैस टेंट सिटीज रिझाएगी। विकास प्राधिकरण ने गंगा पार रेती पर टेंट सिटी विकसित करने का डीपीआर तैयार कर लिया है और निविदा भी आमंत्रित की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है प्रिया यादव ऑफिशियल, नुनू कुमार, मंतोष कुमार, कुश कुमार यादव, आलोक कुमार, ध्रुव कुमार, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास अब लोग कोरोना को लेकर सजग है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।